नीचे से स्वागत है फिर से एक नए दिन और एक नई राइड में आप सभी का। तो भाई अभी जिस रेड लाइट पे मैं खड़ा हूँ, ये सिकंदरपुर की रेड लाइट, और मैं आपको आज एक नई लोकेशन घुमाने निकला हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये है DLF फेज 3 की तरफ जाने वाली सड़क। भाई रात को तो इस सड़क पे ना आने का मजा ही अलग है। ये भाई मेरी फेवरेट सड़कों में से, यहाँ के जो भाई ये वाला पार्ट जो शुरू होता है ना, आप बस एक नंबर। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। और हम चल रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। आपको लेके जा रहा हूँ दिल्ली की भी एक अलग लोकेशन है जो मैं आज आपके साथ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आ गए हम NH 24, और यहाँ से भाई हम चले जाएंगे तापाचेड़ा बॉर्डर की तरफ। भाई ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ना, सिंडेक साइबर पार्क है, टू एक साइबर पार्क और है, लेकिन ये जो है साइबर पार्क टू है। ये अपनी एंट्री तापाचेड़ा बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़क पे, और ये जो ई रिक्शा वाले भाई साहब है, पता नहीं कॉर्नर पे क्यों खड़े होते हैं यार। ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड कहते हैं इसको। यहाँ से राइट और हम सीधा निकल जाएंगे द्वारका की तरफ। मंदिर को देखो, वही सजा रखा है। नवरात्रि स्टार्ट, पहला दिन नवरात्रि का आज। बीच में उद्योग भी आया था, लेकिन भाई पूरा अंधेरा था उस तरफ उस रोड में, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि दिखता ही नहीं कुछ। तो भाई क्या दिखाते, कभी दिन में दिखाऊंगा आपको। ये हो गए राइट, और अब हम चल रहे हैं तापाचेड़ा की तरफ। ये एरिया थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि ये दिल्ली गुड़गांव का एक बॉर्डर वाला एरिया है, जो दिल्ली गुड़गांव को दिल्ली से जोड़ता है, और दिल्ली को गुड़गांव से, और साथ के साथ उद्योग विहार जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। आप कह सकते हो लेबर क्लास यहाँ सबसे ज़्यादा है। वो मैं कभी, जब आपको यहाँ का जो भाई क्राउड है ना, वो मैं आपको कभी दिन में दिखाऊंगा। दिन में जो है बहुत खूंखार तरीके का क्राउड होता है, जैसा रेलवे स्टेशन पे देखते हो ना आप, इस तरीके का कि पब्लिक आपको खुद चला के ले जाएगी, आप बस रोड पे खड़े हो जाओ। तो भाई धकेलते धकेलते कहाँ ले जाके छोड़ेगी ना, उसका पता ही नहीं चलेगा आपको।
एरिया देख के ही समझ सकते हो भाई, एरिया किस तरीके का है। कचरा यहाँ पे गुड़गांव में जो है एमसीजी के कर्मचारियों की हड़ताल, इसलिए चारों तरफ आपको सिर्फ कूड़ा कचरा मिलेगा इस टाइम गुड़गांव में। भीड़ देखो भाई, यहाँ अब स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी रेहड़ी पटरी पे जितनी भी रेहड़ी देख रहे हो ना भाई, ये जो है पूरी लगभग रात को 12-1 बजे तक किसी तरीके से रहेगी। दिल्ली में स्वागत है आपका। हम गुड़गांव से दिल्ली की तरफ एंटर कर चुके, और ये है कापसड़ा की मंडी लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो। ये देखो पूरी है भाई, जहाँ तक देखोगे ना आप लेफ्ट साइड में जितनी भी ये लाइट दिख रही है आपको सब्जी मंडी की है। काफी बड़ी सब्जी मार्केट लगती है, लगभग हर सामान मिलता है जो भी आपको डेली नीड में चाहिए, फ्रूट सब्जी कपड़े वगैरह जो भी एक्सरसाइज जो भी सोच सकते हो भाई सब कुछ मिलता है। तो भाई स्वागत है आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पे। तो राइट साइड में जो आप लाइट देख रहे हो ना वॉल पे, ये आपका दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और उसी के जस्ट बराबर से द्वारका एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए जो सड़क है ये है। तो भाई रोड की क्वालिटी तो आप देख रहे हो, एक नंबर। इस रोड को बनने में भाई काफ़ी टाइम लगा। पिछले 2-2.5 साल में मैं इस रोड से जब भी आता था भाई मैं मैक्सिमम तो आना ही अवॉइड कर देता था, क्योंकि यहाँ काम चल रहा था। इतनी डस्ट उड़ती थी, इतनी मट्टी उड़ती थी भाई साहब, तो मैं आपको बता नहीं सकता था क्या हाल था यहाँ मट्टी का, इतनी ज़्यादा मट्टी थी यहाँ पे। और अब एक नंबर, ये है द्वारका एक्सप्रेस वे नाइट, मैंने डे का भी एक डाला हुआ है, और काफ़ी सारी लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई उसका एक दिन का व्लॉग बना दो। तो मैं द्वारका एक्सप्रेस वे और मुंबई एक्सप्रेस वे का व्लॉग जल्दी से आप लोगों को देने वाला हूँ। भाई साहब ये जो सड़क है ना तो इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी प्यारी सड़क है ना, बस कहीं कहीं लाइट की कमी है, बाकी ये रोड पूरी तरीके से बढ़िया खूबसूरत। तो भाई अंधेरा खत्म, बीच में रोड पे कहीं कहीं लाइटिंग नहीं है अभी भी, तो अब जो है लाइट मिल गई तो मैं भी आप लोगों से मिल रहा हूँ। छावरा फार्म्स, अब जो है भाई अपने डे के व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे गणपति से स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से दिन से यार फिर गर्मी बढ़ गई, फिर ब्रेक लग गया अपने, पता है दिन में इतनी गर्मी हो रही है, रात शाम को ठंड लगती है, एक तरीके से बीमारी वाला वायरल फीवर का मौसम चल रहा है, और तेज धूप में भाई बहुत गर्मी लगती है, बहुत ध्यान भटकते ही ब्लॉग का जो फ्लो है वो चला जाता है।
दूर था दिल्ली नंबर की जितनी भी गाड़ियां देखो उनसे भाई दूर ही रह के चलाया करो, ये सारे नशेड़ी हैं। मैक्सिमम आपको दिल्ली नंबर की गाड़ियों में नशेड़ी मिलेगी। रात के टाइम पे जो घूम रहे हैं ना, अभी उस भाई को कोई टेंशन नहीं है कि इस रोड पे चल रहा है, ऊपर से मेट्रो नीचे से हम द्वारका नजरगढ़ दोनों इसी रोड पे आके पास को भाई क्या खूबसूरत सजा रखा है, बढ़िया कलर यूज किए हुए हैं, बढ़िया वॉल आर्ट। ये सब चीजें ना दिन में नहीं देख सकते आराम से, क्योंकि दिन में इन सड़कों पे इतना ट्रैफिक होता है ना, बहुत ही खतरनाक वाला। स्वागत है आपका द्वारका में, क्योंकि द्वारका में एंटर कर चुके हैं। ये है द्वारका का सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन राइट साइड में। देखिए आप लोगों ने दूसरा सीन हो गया है इस वीडियो में कि भाई ग्रीन लाइट हो रखी है हमारे लिए और भाई साहब टर्न मार रहे हैं। अब ये देखिए भाई हिलेंगे नहीं आगे से, ये चल रहे हैं ना, ये ना लेफ्ट होने वाला ना राइट होने वाला है। ये भाई अंदर किसी से बात कर रहा है और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस गाड़ी में इनके साथ एक लेडीज है। दिखा देता हूँ आपको, देखा भाई अभी तो पता था ना गाड़ी में लेडीज है। रात को जब आते हो थोड़ा ध्यान से बी केयरफुल, इग्नोर। और भाई साहब ये सारे पोल जो हैं तिरंगे की लाइटिंग में G20 के टाइम से ही हुए थे जो अभी तक हैं। उसके पीछे आपको विवंटा की लाइटिंग दिखी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है द्वारका, पापासेडा, उद्योग विहार, NH24 और फाइनली द्वारका। कैसी लगी वीडियो और ये नाइट व्यू बताना। आई हवाई जहाज जा रहा ऊपर से, यहाँ से भाई हर 2 मिनट में एरोप्लेन आप देख सकते हो। रेड लाइट, दूसरी रेड लाइट आ गई अपने पीछे।